और अब बात करते हैं इंदौर की जहां पुलिस ने तेरह साल की आठवीं की एक छात्रा की शिकायत पर स्टूडेंट के खिलाफ लव जिहाद छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है आरोपी ने नाबालिग को खुद को हिंदू बताकर और झूठ बोलकर झांसे में फंसाया था फिर उसके साथ फ़ोटो लेकर ब्लैकमेल करने लगा इतना ही नहीं आरोपी ने नाबालिग का धर्म बदलवाने की कोशिश भी की आरोपी स्टूडेंट नाबालिग को हमेशा एक मुस्लिम नाम से ही बुलाता था इसके चलते नाबालिग डिप्रेशन का शिकार हो गई थी आरोपी को पुलिस ने गुरुवार को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया पुलिस ने तेरह साल की छात्रा की मां की शिकायत पर बूढ़ी बड़लई निवासी दानिश पुत्र सलमान मंसूरी के खिलाफ केस दर्ज किया है आरोपी दानिश आए दिन छात्रा से छेड़छाड़ कर रहा था जिसके कारण छात्रा डिप्रेशन का शिकार हो गई थी दानिश ने दोस्ती में नाबालिग स्टूडेंट के कुछ फोटो भी खींच लिए इन फोटो को वायरल करने के नाम पर वह छात्रा को ब्लैकमेल करने लगा बुधवार को नाबालिग को दबाव बनाकर दानिश ने मिलने बुलाया तभी यहां परिवार के लोग भी पहुंच गए इसके बाद हिंदू संगठन के लोग दानिश को पकड़कर थाने ले आए जहां उस पर कार्यवाही की गई पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दानिश से छात्रा की मेडिकल से दवाई लेने के दौरान पहचान हुई थी इस दौरान दानिश ने उसे बातों में उलझाया और हर संभव मदद का भरोसा दिया इसके बाद दानिश ने उससे नंबर ले लिया कुछ समय बाद दानिश छात्रा के मोबाइल पर मैसेज करने लगा दानिश ने उसे बातों में उलझा लिया और शादी करने के लिए दबाव बनाने लगा छात्रा के साथ इस दौरान कुछ फोटो भी ले लिए इन फोटो को एडिट करके वायरल करने की धमकी देने लगा धमकी देने के साथ ही उसने अपना असली नाम बताया और कहा कि वह शादी करना चाहता है इसके लिए छात्रा को धर्म बदलने के लिए भी लगातार दबाव बनाने लगे दानिश छात्रा को रूही नाम से बुलाता था और यही नाम उसने अपने मोबाइल में भी सेव किया था परिजनों और हिंदू संगठनों के साथ थाने पहुंची छात्रा ने पुलिस से खुलकर अपनी पीड़ा बयां की छात्रा ने कहा कि दानिश लगातार उसके साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश करता था छात्रा ने कहा कि इन हरकतों की वजह से वह डिप्रेशन का शिकार हो गई थी गुरुवार को दानिश ने जबरदस्ती उसे मिलने के लिए बुलाया था इस दौरान उसने परिवार को अपनी परेशानी बताई और हिंदू संगठनों के साथ दानिश से मिलने पहुंची ब्यूरो रिपोर्ट विराट ट्वेंटी फोर न्यूज़